हाय गाइस, अगेन फ्रॉम ज्ञान स्पोर्ट्स। उसी सीरीज़ का फोर्थ बैट है जो अभी पिछली वीडियोस में बताया था कि पांच बैट्स हैं जिसमें से चार जो है वो हैंडल चेंज और कंप्लीट रिपॉप के नहीं, एक शोल्डर क्रैश के नहीं है। तो ये फोर्थ बैट है, ये फोर्थ बैट के ऊपर आ रहे हैं एल सी का एक्सट्रीम, सनी टनी का एक्सट्रीम है ये, और एक्सट्रीम है जी। बहुत फेमस हुए थे ये बल्ले जब आए थे, लॉन्च हुए थे अपनी राउंड टू की वजह से, स्पेशली ये राउंड टू की वजह से काफ़ी हुए थे। पूरी प्रॉपर राउंड टू बनाई थी, और कर्फ राउंड टू नहीं बनाई थी, कंप्लीट राउंड टू होती है, लाइक सर धोनी स्टाइल जो धोनी यूज़ करते थे बैट अपनी राउंड टू पे, बिल्कुल वही स्टाइल उन्होंने निकाला था। काफ़ी फेमस हुए थे, एक वक्त में हॉट टेक भी बन गए थे। अब मोस्टली इनके बल्ले दोबारा उसी ट्रेंड पे आ रहे हैं, स्ट्रेट टू के ऊपर या कर्फ टू के ऊपर, स्लाइटली से कॉर्नर जो हैं किसी किसी में राउंडेड होते हैं, और लेकिन आई थिंक ये जो एक्सट्रीम आ रहा है ये अभी भी राउंड टो के ऊपर आ रहा है। तो बल्ले के ऊपर बता दूँ थोड़ा सा क्या है क्या नहीं, टो के ऊपर काम है काफ़ी मोटी थ्रेडिंग से, इसकी थ्रेडिंग हुई थी जिसकी वजह से कंप्रेशन क्रैक बॉटम से भी आ गए हैं, क्योंकि सॉफ्ट बल्ले होते हैं एलजी के, जो अभी अप सीरीज वाले बल्ले आ रहे हैं जो अपर वर्जन में आता है ये, तो वो मोस्टली सॉफ्ट प्रेस होते हैं, सॉफ्ट वुड होती है, यदि हार्ड वुड नहीं होती। डबल टून बहुत आपको कम मिलेगा एलजी के एक्सट्रीम के अंदर, एलजी के एक्सट्रीम नहीं, इससे ऊपर भी जितने ही बल्ले हैं आपको मोस्टली डबल टून नहीं मिलेंगे। और बाकी इसमें क्या क्या काम है, इसमें आपके कंप्रेशन क्रैक्स तो नहीं है जिसके ऊपर इतने नहीं दिख रहे, शोल्डर क्रैक्स लाजमी है इसके अंदर, शोल्डर क्रैक आया हुआ है, हैंडल चेंज होगा, इसका हैंडल तो ऑलरेडी निकला हुआ है तो चेंज दूसरा हैंडल डालेंगे इसके अंदर। टो की रिपेयरिंग है, अगर आप देख सकते हैं तो टो के स्लाइसिस नीचे से शो हुए होंगे, आगे से बल्ला खा गया है पूरा नीचे से टो, तो उसकी रीशेपिंग करके उसको प्रॉपर वे पे इस पर टो गार्ड लगानी है, कम्प्लीट रिफअप करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं इसकी फाइनल वीडियो क्या निकलेगी, हम कहाँ पहुँचे होंगे इसके, इसको फिनिश करने के बाद आफ्टर वीडियो इसके बाद चल जाएगी इंशाल्लाह। अगेन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सकता है अपने क्रिकेट सर्कल में फैलाएं, और ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन जाए, देखें वो किस तरह की रिपेयरिंग और किस तरह के बैट्स आफ्टर यूज़ के बाद आते हैं रिपेयर होने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो ओपन है बिल्कुल, कमेंट बॉक्स वहाँ पे डालें, वहाँ पर पूछें, सजेशन दें, कोई चीज़ रिपेयरिंग गलत हो रही तो उसके लिए भी ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी वीडियो के फौरन बाद ही इसका आफ्टर चल जाएगा, तो कंटिन्यू देखें, आफ्टर भी देखें और बताएं कि कैसा लगा आपको, कैसा नहीं। शुक्रिया। हाय गाइस, अगेन ध्यान स्पोर्ट्स से आफ्टर वीडियो, एल जी सनी टनी एक्सट्रीम था जिसका हैंडल चेंज था, तो उसकी डैमेज हुई थी उसको रिपेयर करना था और कंप्लीट रिपॉप करना था, हैंडल फुल किन डाल दिया इसके अंदर, बैलेंसिंग कर दिया बैट को, साइड के एक्सेस को रिपेयर कर दिया है, और उसके बाद टो जो पीसीस हुई थी जिससे उसको रिपेयर किया, नेट रिवार्ड लगाया है और पूरा कम्प्लीटली इसको रिपॉप कर दिया है। क्विक सी आफ्टर की वीडियो है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में मैं पूरा काम पीछा हूँ, इसके क्या काम था, बाकी बिफॉर में हमारे को सब बता देते कि बल्ला कैसा है, किस तरह है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो अगेन इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सजेशन हो, लाजमी कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं, उसका इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।